देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दानिश जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। तो सबसे पहले दानिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दानिश जी बताते हैं कि घटना है सन 1988 की, जो कि मेरे बड़े पापा के साथ घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे बड़े पापा की अपनी ही एक छोटी सी फैक्ट्री है गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, जिसके चलते वो एक रोज रात के तकरीबन 11:30 बजे फोर व्हीलर से साइड पर जा रहे थे। रात के वक्त रास्ता एकदम सुनसान था और काफी अंधेरा भी। वो अपने दोस्तों से बातें करते हुए ड्राइव कर रहे थे। कार की स्पीड भी 60 से 70 की थी कि तभी एक औरत अचानक ही उनकी गाड़ी के सामने आ गई, जिस वजह से उन्होंने एकदम से ब्रेक मारा और जल्दी से नीचे उतरे, ये देखने के लिए कि आखिर उस औरत को कुछ हुआ तो नहीं। जब वो नीचे उतरे तो उन्हें वो औरत कहीं भी नहीं दिखी, यहाँ तक कि उन्होंने सड़क के आसपास गड्ढों में भी देखा कि कहीं वो औरत टक्कर की वजह से गड्ढे में तो नहीं गिर गई। तभी बड़े पापा गाड़ी की हेडलाइट से गाड़ी को मोड़कर इधर उधर देखने लगे, मगर तब भी वो औरत उन्हें कहीं नहीं मिली। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर वो लड़के गई तो गई कहाँ। उन्होंने गाड़ी को भी सही से देखा तो गाड़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ना तो कोई खून का धब्बा था और ना तो गाड़ी पर कोई खरोंच थी। इसी हैरानी के साथ बड़े पापा और उनके दो दोस्त गाड़ी में ही बैठ गए और वहां से जाने लगे कि तभी बड़े पापा को साइड मिरर में कोई दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से बाहर की ओर देखा तो फिर से वहां पर कोई नहीं था। खैर, बड़े पापा इसी सोच विचार के साथ वहां से चल दिए। रास्ते भर उनके मन में यही सवाल बना रहा, आखिर ये सब क्या था जो अभी अभी हमारे साथ हुआ। ये सोचते हुए वो अपनी साइट पर पहुंचे। साइट पर पहुंचकर वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिले तो उन्होंने सारी बात अपने पार्टनर के साथ शेयर की। ये सुनकर बड़े पापा के पार्टनर एकदम से चौंक गए, शायद वो उस रास्ते के बारे में कुछ जानते थे। फिर उन्होंने बताया कि शायद तुम्हारे दिन सही है जो तुम लोग ठीक ठाक यहाँ तक आ गए। उस रास्ते पर अभी तक जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो अपने आप नहीं होता, दरअसल वहां पर एक औरत की आत्मा है जो अचानक ही गाड़ियों के सामने आ जाती है, जिस वजह से तेज चल रही गाड़ी अचानक ही पलट जाती है। एक्सीडेंट होते ही वो किसी को नहीं दिखती। अब तक ना जाने उसने कितने एक्सीडेंट किए हैं और ना जाने कितनों की जान भी ली है, जिस वजह से मरने वाले लोगों की आत्माएं भी उस औरत के साथ ही रहती हैं, क्योंकि ऐसे कई हादसे मैंने उस रोड पर होते हुए देखे हैं। पर तुमसे मैं यही कहूंगा, जब भी तुम उस रास्ते से आओ तो गाड़ी धीरे ही चलाना। दोस्तों कहते हैं कि उस औरत को मेरे बड़े पापा ने कई बार उस रोड पर देखा है, पर वो जानते हैं कि वो औरत कौन है, इसलिए वो शायद हमेशा बच जाते। तो दोस्तों, ये तो थी दानिश जी की सच्ची घटना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है छुपन छुपाई, जो कि अंजू जी ने हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए बढ़ते हैं अंजू जी की कहानी की ओर। अंजू जी बताती हैं कि उस शाम हम सभी बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे, तभी हमारी ही उम्र की एक लड़की हमारे पास आई और बोली, मुझे भी खेलना है। उस लड़की को देखते ही हमने भी उसे खिला लिया और कहा, मगर डैन तुम्हारी होगी। इस पर उसने कहा, चलो ठीक है। फिर क्या था, हमने उसे
20 तक गिनती गिनने को कहा और इतने में ही हम सब छुप गए। मगर उस लड़की ने महज 2 मिनट में ही हम 10 से 12 बच्चों को एकदम से ढूंढ लिया, मानो उसे पहले से ही पता हो कि हम सभी बच्चे कहां पर छुपने वाले हैं। फिर हमने उस लड़की से कहा, आज के लिए बस इतना ही, अब कल खेलेंगे। और फिर हम सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आए। अगली सुबह बातों बातों में मेरी सहेली ने कहा, जो मेरे पड़ोस में ही रहती थी, अरे सुन, तुझे उस लड़की ने कैसे ढूंढा? इस पर मैंने कहा, जब उसने मुझे ढूंढा तो वो ठीक मेरे पीछे ही बैठी थी, मानो वो पहले से ही वहां हो। और हाँ, उसके आने की भी कोई आहट ही नहीं हुई मुझे। ये सुनते ही वो एकदम से चौंक गई और बोली, अरे ठीक इसी तरह उसने मुझे भी ढूंढा था। अब हम दोनों को ये बात खटक गई। हम दोनों ने उसी वक्त बाकी के साथियों से जाकर पूछना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि सबको उस लड़की ने ठीक इसी तरीके से ही ढूंढा था। ठीक शाम को हम सभी बच्चे फिर से जमा हुए छुपन छुपाई खेलने के लिए। हम खेल ही रहे थे कि वो लड़की फिर से वहां आ गई। हमें थोड़ा डर तो लग रहा था और कुछ बच्चों ने आज उसे खेलने से भी मना कर दिया, जिससे वो लड़की उदास सी हो गई और वहां से चली गई। और हम सभी बच्चे एक साथ खेलने लगे। मैं अभी एक पुरानी बंद पड़ी गाड़ी के पीछे छिपी हुई थी कि मुझे लगा कि कोई मेरी ओर आ रहा है। तभी मैंने गाड़ी के नीचे से झुक के देखा तो मेरी नजर किसी के पैरों पर गई। मैं चुपचाप गाड़ी के पीछे ही छिपी रही कि तभी वो चलने लगा, मगर उल्टा। मैं ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये उल्टा क्यों चल रहा है। जब मैंने गाड़ी की खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि वो वही लड़की है जिसे हम बच्चों ने खिलाया नहीं, मगर वो तो सीधे ही चल रही थी। फिर मैंने उसके पांव की ओर देखा जो कि उल्टे थे। तभी मुझे मम्मी की बात याद आई, माँ ने कहा था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। ये सोचते हुए मैं वहीं छिपी रही जब तक कि वो वहां से चली नहीं गई। और उसके जाते ही मैं सीधे घर आ गई और उसके बाद से हम लोगों ने वहां पर खेलना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी अंजू जी की सच्ची कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।